फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने लव एंड हेट से रिलेटेड वर्ड्स सीखे। इस वीडियो में हम देखेंगे गैमोज। गैमोज का मीनिंग है मिलना। जब दो डिफरेंट जेंडर के पर्सन आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं गैमोज। वर्बल मीनिंग इसका हो गया मैरिज। इससे डेराइव्ड वर्ड्स हैं मोनोगैमी, बायगैमी, ट्राइगैमी, टेट्रागैमी, सीरोगैमी, पॉलीगैमी, हिट्रोगैमी, ज़ीनोगैमी, गैमोजेनेसिस एंड गैमोफिलस। इनमें से मोनोगैमी, बायगैमी, पॉलीगैमी एंड गैमोफिलस को मैं आपको इलैबोरेट करके बताना चाहूँगी, बाकी सब शॉर्ट में बताऊँगी। मोनोगैमी है एक ही पर्सन से मैरी करना, बायगैमी दो पर्सन से मैरी करना, सेम वैसे ही ट्राइगैमी एंड टेट्रागैमी थ्री एंड फोर पर्सन से मैरिज होना। स्यूडोगैमी, स्यूडो का मीनिंग है फॉल्स। फॉल्स मैरिज या फर्जी मैरिज को स्यूडोगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी, पॉली का मीनिंग है ज़्यादा, एक से ज़्यादा। जब कोई पर्सन एक से ज़्यादा मैरिज करे उसे कहेंगे पॉलीगैमी। हिट्रोगैमी, ज़ेनोगैमी एंड गैमोजेनेसिस प्लांट्स से रिलेटेड टर्म्स हैं जिनको हमें यहाँ एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो अब एक एक करके इन वर्ड्स को स्टडी करते हैं। मोनोगैमी, बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन। अगर कोई एक ही मैरिज करता है तो वह है मोनोगैमस। मोनोगैमी ह्यूमन नेचर का ही एक पार्ट है। बायगैमी, यदि कोई पर्सन दो मैरिज करता है या कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम उसके दो स्पाउस हैं, वो चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, तो वह बायगैमस है। पॉलीगैमी, बीइंग मैरिड टू मल्टीपल पर्सन इज कॉल्ड पॉलीगैमी। गैमोफिलस, फिलस का मीनिंग है लीव्स। गैमो का मीनिंग है मिलना या जुड़ना। जब किसी प्लांट में एक से ज्यादा लीव्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसे गैमोफिलस कहते हैं। अब आते हैं एक नए वर्ड मोनो पर। आपको मोनो से रिलेटेड वर्ड्स पहले भी आपने सुने होंगे। मोनो रूट से स्टार्ट होने वाले शब्दों की संख्या 300 से भी ज़्यादा है। उनमें से कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स को हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट है मोनो। वैसे तो मोनो का मीनिंग होता है वन, लेकिन मोनो को रिकॉर्डेड म्यूज़िक के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिकॉर्डेड म्यूज़िक में मल्टीपल साउंड्स एक ही डायरेक्शन से आती है। मोनोसाइकिल, साइकिल का मीनिंग है व्हील। जिसमें एक ही व्हील हो वो है मोनोसाइकिल। सर्कस में जोकर मोनोसाइकिल चलाते हुए दिखाई दे सकते हैं। मोनोलॉग, जैसे डायलॉग होता है संवाद, वैसे ही मोनोलॉग का मीनिंग भी संवाद ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोनोलॉग में एक ही पर्सन काफ़ी लंबा संवाद या स्पीच बोलता है। आपने एक मूवी आई थी प्यार का पंचनामा, उसमें कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग सुना होगा जो काफ़ी फेमस हुआ था। आगे चलते हैं मोनोकल। इसे मोनोकल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे मोनोकल। अकल का मीनिंग है आइज। सो मोनोकल का मीनिंग है ऐसा कुछ जो एक आई के लिए काम आए, तो मोनोकल सिंगल आई ग्लासेस के लिए काम आता है। एक आपने शब्द सुना होगा बायनोकुलर। बायनोकुलर में दो आईज के लिए लेंसेज होता है। मोनोडी, ऐसा कोई गीत या पोएम जो किसी एक पर्सन की डेथ के बाद उसे याद करने के लिए गाया जाता है, वो है मोनोडी। मोनोडिस्ट है जो इस मोनोडी को लिखता, गाता या कंपोज करता है। एग्जाम्पल, बहुत से सॉन्ग्स हैं, लेकिन दुश्मन मूवी का ये सॉन्ग चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, ये मोनोडी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मोनोपोली, एक गेम भी है मोनोपोली के नाम से, वो जो कि बिजनेस से रिलेटेड है।
कोई इंडस्ट्री या सर्विस ऐसी हो जिस पर केवल एक ही कंपनी का नियंत्रण हो, या अगर बाकी कोई और कंपनीज हैं भी तो भी वो उसके कंपटीशन में खड़ी नहीं हो पाए, वो है मोनोपोली। जैसे हमारे इंडिया में रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो नियंत्रण है वो सिर्फ इंडियन रेलवेज के पास ही है, मोनोथीज्म। थीज्म वर्ड हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं। मोनोथीज्म का मतलब है किसी सिर्फ एक ही गॉड में विश्वास करना। नेक्स्ट हम आते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस है बोरिंग होना, और बोर हम किससे हो जाते हैं? हमेशा अगर हमारा एक जैसा ही रूटीन चलता रहे तो हम बोर हो जाते हैं। जब हमारा हर दिन एक जैसा निकले तो वो बोरिंग लगने लगता है। इसी से मोनोटोनस का मीनिंग बनाया, जो कभी चेंज ना हो या जो बोरिंग हो। मोनोटोनी बोरिंग होने की स्टेज को कहते हैं। मोनोक्रोम। क्रोम का मीनिंग है कलर, जिसमें सिर्फ एक ही कलर हो उसे मोनोक्रोम कहते हैं। मोनोक्रोम यूज़ किया जाता है उस फोटोग्राफ या पिक्चर के लिए जिसमें ब्लैक, वाइट या ग्रे की ही शेड्स हो, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है। मोनोपोड, जैसे ट्राइपोड में 3 लेग्स होती है, मोनोपोड वो है जिसमें एक ही लेग का सपोर्ट होता है। मोनोमेनिया, किसी एक ही चीज या विचार पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना मोनोमेनिया है। मोनोस्टिच, ऐसी पोइम या शायरी जिसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस है, वो है मोनोस्टिच। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की वीडियो में हम देखेंगे हैंड्स और उससे रिलेटेड वर्ड्स। धन्यवाद।